प्रदेश की पेयजल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से गंभीर हैं, जिसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएमआर में करीब 3 घंटे जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सरकार की ओर से पेयजल व्यवस्था का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गहलोत ने पानी की कमी वाले इलाकों में व्यवस्थित टैंकर सप्लाई करने को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता को पर्याप्त पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए। बैठक में जलदाय विभाग मंत्री बीडी कल्ला, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित जलदाय विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि आचार संहिता के चलते मंत्री बीडी कल्ला बैठक को लेकर बोलने से बचते नजर आए। तो आपको बता दें कि प्रदेश का पेयजल संकट, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं, उन्होंने सीएमआर में जलदाय विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली है। प्रदेश में जलापूर्ति की समस्या को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है, इन पर भी चर्चा की गई है। बीसलपुर को लेकर के भी अधिकारियों से चर्चा की गई है, किस प्रकार से प्रदेशवासियों को पेयजल की सप्लाई की जा सकती है, लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की जा सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री बीडी कल्ला ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है और दिशा निर्देश दिए हैं।